Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study summary of theoretical part aphorism number 70. So अभी तक हम लोगों ने 1 to 70 aphorism सारे देख लिए हैं with footnotes, ठीक है? तो अभी है ना हम लोग क्या देखने वाले कि 70th aphorism में क्या दिया है. तो 70th aphorism में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है आज से मतलब स्टार्टिंग डे वन दैट इज अफोरिज्म नंबर 1 टू अफोरिज्म नंबर 69 तक, तो है ना सब कुछ उस सब की समरी है अफोरिज्म नंबर 70. सो जब भी आपको अगर क्वेश्चन आता है कि है ना मतलब इस पे तो क्वेश्चन नहीं आता बट फिर भी वाइवा में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज अफोरिज्म नंबर 70 या फिर व्हाट इज गिवन इन 1 टू 70 अफोरिज्म या फिर समराइज द 70th aphorism, बहुत ज्यादा ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाना जरूरी समझा कि आपको भी पता चले कि ना क्या होता है aphorism नंबर 70, जो इजी लैंग्वेज में आप इसका इजी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको यहाँ पे इस पे दिया है नोट्स पे, तो वो आप जैसे कि तैसे लिख सकते हो. इट विल बी हार्डली कम फॉर 5 मार्क्स या फिर आप रीड करके भी चले जाओ एंड यू नो आप खुद के वर्ड्स में ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है? सो लेट्स रीड आउट द फर्स्ट लाइन दैट इज स्टडी ऑफ डिजीज इज नथिंग बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स. तो स्टडी ऑफ डिजीज इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या? तो है ना डिजीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है? पूरा डिजीज का जो भी क्रोनोलॉजी है, अगर क्रॉनिक डिजीज होगा तो उसकी क्रोनोलॉजी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. जब भी आप केस टेकिंग करते हो दैट टाइम ना द क्रोनोलॉजी ऑफ अ डिजीज शुड बी यू नो द मेन थिंग विच यू शुड नो एंड मेन थिंग यू शुड टेक इट फ्रॉम योर पेशेंट. क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए. फर्स्टली क्या सिम्टम आया था आपको पूछना है. हाँ तो कब से स्टार्ट हुआ था? अच्छा ठीक है, बचपन से लेके आज तक आप कितने बार बीमार पड़े थे, क्या क्या चीज हुई थी जो आपको याद है, बता सकते हो क्या? देन आपका पेशेंट एक 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 करके बाहर निकलेगा. दैट टाइम स्टॉप टॉकिंग टू देम एंड जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू देम. मतलब पूरा सिर्फ सुनो 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 उनको एंड फिर जो भी वो बता रहे वो सिर्फ पेन डाउन करो, उतना ही करना है, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा हमें स्टडी करना है डिसीज के सिम्टम्स को. मतलब अच्छा ये है तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, अच्छा ये हुआ था, वो हुआ था, अच्छा यहां से स्टार्ट हुआ था, ओके. तो ये सब कुछ जो रहता है ना दैट इज क्रोनोलॉजी ऑफ द सिम्टम्स या फिर डिसीज की स्टडी उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है? टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालेंगे इस सब चीज से. टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स में क्या आएगा? तो मोस्ट मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड PQRS सिम्टम ऑफ द पेशेंट्स. जो भी कोई अभी ठीक है चल बुखार है मुझे, बुखार में ना मोस्टली बॉडी एक होता है लेकिन बुखार में थर्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कभी कभी किसी किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, कभी कभी किसी को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती, कभी कभी किसी को प्यास लग के भी ड्राइनेस ऑफ माउथ रहता है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है. सो दिस इज व्हाट PQRS सिम्टम्स. देन इन द फीवर देयर इज ल्यूकोरिया स्टार्ट्स, दैट इज PQRS सिम्टम. इन द फीवर देयर इज नो आंख से बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, दैट इज PQRS टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट. सो ये सब कुछ चीजें ना दैट यू शुड कम टू नो और ये आएंगी हमारे टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स में, ठीक है? देन कॉज ऑफ डिसीज इज नॉट मटेरियलिस्टिक कॉज. इसका मतलब क्या है? अच्छा ठीक है पूरा पढ़ लेते हैं. कॉज ऑफ डिसीज इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक कॉज बट इट इज अ डायनेमिक डीरेंजमेंट ऑफ अ वाइटल फोर्स बाय डायनेमिक इनिमिकल फोर्सेस दैट इज मायाज्म, ठीक है? सो कॉज ऑफ डिसीज इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक कॉज. वी हैव सीन मटेरियलिस्टिक कॉज होम्योपैथी में नहीं होता, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हम लोग उसके लिए दवाई नहीं देते हैं, ठीक है? बट इज अ डायनेमिक डीरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स बाय डायनेमिक इंडिविजुअल फोर्सेस. देर इज डायनेमिक डीरेंजमेंट ऑफ अ वाइटल फोर्स, लाइक जो भी कोई वाइटल फोर्स है उसकी जो डीरेंजमेंट है, उसका जो इक्विलिब्रियम है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आने की वजह से हमें तकलीफ होती है, दैट इज सिम्टम्स दिखाई देते हैं. तो वो डीरेंजमेंट किस वजह से आते हैं? तो मटेरियलिस्ट कॉज से नहीं आते, तो वो आते हैं मायाज्म से. सो मायाज्म इज ओनली द कल्प्रिट ऑफ डीरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स विच लीड्स टू द डिसीज इन अ पर्सन हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. हाँ फिर आता है डिसीज कैन ओनली क्योर बाय मेडिसिन विच शोज सिमिलर एक्शन
और सेम डिसीज टोटैलिटी. मतलब क्या, डिसीज कैन ओनली क्योर बाय मेडिसिन. सो इन मेडिसिन से ही आपका डिसीज क्योर हो जाएगा, बट विच शोज सिमिलर एक्शन. मतलब हम लोग देखते हैं सिमिलैरिटी देखते हैं. लाइक अगर हेल्दी इंडिविजुअल है और एक डिसीज इंडिविजुअल है, अगर हम लोग रेमेडी कोई भी प्रूफ करते हैं, तो है ना, हेल्दी इंडिविजुअल में अगर वो रेमेडी देने से वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और सेम सिम्टम्स अगर अनहेल्दी इंडिविजुअल या फिर डिसीज इंडिविजुअल में अगर दिखाई देते हैं, सिक इंडिविजुअल में दिखाई देते हैं, तो सेम रेमेडी उसको देनी चाहिए. ठीक है, सिमिलिया सिमिलिबस. ठीक है, तो है ना, ये जो सिमिलर डिसीज है, सिमिलर पैथी हम लोग यूज कर रहे हैं, सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू नो. ओके, देन आता है पैलिएटिव मेथड, नेवर क्योर्स द डिसीज. सो इट विल लीड टू वेरी हार्मफुल डिसीज, क्योंकि है ना, अगर पैलिएशन मतलब क्या, तो है ना, हम लोग पैलिएट करते हैं सिम्टम सिमिलैरिटीज पे, हम लोग दवाई देते हैं. लाइक हम लोग जैसे बोलते कि है ना, ओपीडीज में वगैरह हम लोग प्रैक्टिस कर देते ना, तो है ना, अच्छा चलो ये बंदे को लूज मोशन है, हम लोग लूज मोशन के लिए क्या पोडोफाइलम पता है हमें, सल्फर पता है हमें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग अर्सेनिक के दे दे के चलो छोड़ देते. ठीक है, फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए एलुमिना पता है, एलोस पता है, ये सब कुछ हम लोग ना ऐसे ही लाइक ओवर काउंटर ड्रग्स की तरह या फिर ओवर काउंटर मेडिसिन की तरह हम लोग दे देते. बट नो, दिस शुड नॉट बी योर प्रैक्टिस, दिस शुड नॉट बी योर पैथी टू क्योर द डिसीज पर्सन. ठीक है, इट शुड नॉट एवर हैपन्ड इन होम्योपैथी, राइट. सो वॉट इज पैलेटिव मेथड, सो दिस इज वॉट अ पैलेटिव मेथड इज, कि है ना, अगर आप लोग है ना सिम्टम सिमिलैरिटीज पे अगर उस पेशेंट को ट्रीट करते हो, एंड इफ यू आर रिपीटेडली गिविंग दोज मेडिसिन इन अ लॉन्ग रिपीटेशन डोजेस विद अ हायर पोटेंसी, देन इट विल लीड टू मोर सीवियर डिसीज कंडीशन. वो बहुत डीप चला जाएगा उसका पैथोलॉजी, और वो है ना, मतलब इरिवर्सिबल डिसीज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप रिपीटेड ऐसे ही देते रहोगे तो. ठीक है, फिर आता है दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन नेचर्स लॉ ऑफ क्योर. यू नो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर है, तो ये जो सिस्टम है होम्योपैथी का, इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन दी और ऑलवेज इट इज अ फाउंडेशन. फाउंडेशन है होम्योपैथी का, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर इज अ फाउंडेशन. ठीक है, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. वन पर्सन who came to know every other rules of homeopathy, sorry, and who came to know ki sab homeopathy ka agar usko pata hai, then he is the best to give cure to an individual. ठीक है, तो है ना, ये जो पार्ट है ये भी है ना थोड़ा शॉर्ट पार्ट है, और इट इज नॉट कमिंग फॉर योर एग्जाम, बट फिर भी मैं आपको सिखा दे रही हूँ, इसीलिए मैंने ना इस अफोरिज्म में ही इसको इंक्लूड किया है. सो है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ना शॉर्ट कीज, तो है ना ये आपको एक्सप्लेन करें. विल स्टडी नाउ प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ ऑर्गेनॉन. सो है ना, 72 से लेके 291 अफोरिजम्स तक ये दिया है, तो है ना आपको अंडरस्टैंड करने की क्या क्या है. सो है ना, 1-2 अफोरिज्म नंबर 1-70th अफोरिज्म में थ्योरेटिकल पार्ट दिया है, एंड 71 से लेके यहाँ पे 72 लिखा है, बट 71 ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, जिसमें ये सब कुछ दिया है. ठीक है, तो 71 अफोरिज्म में प्रैक्टिकल पार्ट से दिया है, 71 अफोरिज्म से 291 अफोरिज्म तक. ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली थ्योरेटिकल पार्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन टू द होम्योपैथिक साइंस, मतलब व्हाट इज एग्जैक्टली होम्योपैथी इज, सो वो दिया है. फिर कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज, हेल्थ डिसीज रेमेडी मेडिसिन के सारे डेफिनेशंस, फिर उसके अंडरस्टैंडिंग्स, फिर कॉजेस, व्हाट इज एग्जैक्टली द क्योर, व्हाट क्योर मीन्स टू अ होम्योपैथ, what explanation is given by Dr. Hahnemann, that is all given in the theoretical part. Then concept of health and disease is done. Okay, curative method, what is the curative method, so na wo method kaisi honi chahiye kaisi nahi honi chahiye, to aphorism number 2 se leke 70th aphorism mein wahi diya hai. Aphorism 1 mein ye diya hai introduction bhi, aur na patients ka aap exactly cure kaisa hota hai, kya hota hai. theek hai, then drug dynamization, तो ड्रग डायनामाइजेशन मतलब क्या, पोटेंटाइजेशन डायनामाइजेशन, फिर रिपीटेशन ऑफ रेमेडी, देन व्हाट इज सिमिलिमम, दिस ऑल थिंग्स इज एक्सप्लेन्ड इन द थियोरेटिकल पार्ट. देन प्रैक्टिकल पार्ट में क्या दिया है, तो एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथी एज एन आर्ट, मतलब अभी ये तो नॉलेज हमको मिल गया है,
ठीक है, एग्जैक्टली होम्योपैथी होता क्या है, उसमें होता क्या है, ये हमें पता है अभी, ठीक है, सब सॉर्ट है इसमें से। लेकिन अभी इसको, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास है, इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो वो दिया है प्रैक्टिकल पार्ट में, बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर। सो यहाँ पे है ना, नेचर्स थेरेप्यूटिक लॉ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, जो कि है ना थ्योरेटिकल पार्ट में आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी उसका प्रैक्टिकल, लाइक उसको इम्प्लीमेंट कैसे करे, वो हमें दिया है प्रैक्टिकल पार्ट में, ठीक है। देयर आर सम इटर्नल लॉज विच डू नॉट चेंज फॉर एनी वन, देर आर सम इन द अदर लॉज, लाइक ऐसी रेमेडी होगी, ऐसा डिसीज होगा, तो है ना हम लोग क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे, कैसा वे रहेगा हमारा प्रिस्क्रिप्शन का, तो है ना ये सब कुछ हमें दिया गया है इस प्रैक्टिकल पार्ट में, ठीक है। सो या दिस वॉज इट, दिस वॉज टूडेज लेक्चर, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, आई होप यू लाइक दिस टाइप ऑफ लेक्चर्स, एंड आई होप यू केम टू नो अबाउट द ऑल दी एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो कि आपको एग्जाम में यूजफुल रहेगा, एंड इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड अगर आपको कोई भी और सजेशन रहेंगे, फीडबैक्स रहेंगे, देन जस्ट लेट मी नो दोज। टिल देन बाय, टेक केयर।